ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सपोज द मीडियंस BD एंड CE ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल होना जरूरी नहीं है। लेट अस से हमने यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बनाया है ABC। अब यहाँ पर BD एक मीडियन है हमारे पास, मीडियन ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करने से आती है। ऐसे ही CE भी हमारे पास एक मीडियन है, ये हमारा पॉइंट हो गया है D और ये हो गया है E। ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पर कट करती हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल EOD का। तो यहां पर हमारे पास ट्रायंगल EOD। एक बहुत बेसिक रूल है इस क्वेश्चन को करने के लिए, मीडियन जो हैं वो जिस पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड इन मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। दैट मींस अगर हम बात करें सी ई की, तो ये वाला जो पार्ट है अगर ये 1 होगा तो ये वाला पार्ट 2 होगा। एक और खास बात है, मीडियन ट्राइंगल अगर कोई भी हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दैट मींस ए बी सी का एरिया अगर 108 है तो बी ई सी का एरिया इसका हाफ 54 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। तो बी ई सी 54 है क्योंकि 1:2 के रेशियो में ये पॉइंट इस मीडियन को डिवाइड करता है। अगर हम ट्राइंगल बी ई सी पर नजर डालें तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया का रेशियो भी 1:2 होगा। दैट मींस ये होगा 18 यूनिट्स और ये होगा 36 यूनिट्स। बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए यहां पर हम एक लाइन और ड्रॉ कर देते और ये तीनों इक्वल पार्ट्स होते तो तीनों का एरिया आपस में इक्वल होता, दैट इज 18 18 एंड 18। तो हमने कहा ये 36 है और ये 18 है। अब सेम प्रॉपर्टी अगर हम इस मीडियन की बात करें बीडी की, तो ओ इन्हें 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये वाला पार्ट अगर 18 है तो इस पार्ट का एरिया क्या होगा, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था और हमें आंसर क्या टाइप करना होगा, 9। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बट अगेन आपको जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो मालूम होनी चाहिए और किस तरह से उन्हें मिनिमम टाइम में आप अप्लाई कर सकें ये आपको आना चाहिए।